अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि 1 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका आरंभ होने के बाद अब तक कुल 42 पत्थर विशेषज्ञों की टीम ने लगा दिए हैं। वहीं राम मंदिर के भूतल पर कुल 1.5 लाख घन फीट पत्थर लगाए जाने हैं, जिसमें 70,000 तरासे हुए पत्थर लगाए जाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से गुलाबी पत्थर आने के बाद उन्हें राम मंदिर में लगाने से पहले उनको अंतिम आकार देने और लगाने के लिए 20 विशेषज्ञों की टीम लगी हुई है। आपको बता दें कि राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि गर्भगृह में रोज लगभग 5 पत्थर लगाए जा रहे हैं। यह अभी भी काम जटिल है, इसके लिए अनेक प्रकार की सावधानी बरती जाती है। 1000 साल से ज़्यादा टिकने वाले राम मंदिर के गर्भगृह में एक एक पत्थर को बहुत ही सावधानी से 2 या 3 घंटे में लगाया जा रहा है। कमल की आकृति वाले गर्भगृह का मुख्य दरवाज़ा सफ़ेद संगमरमर का होगा। यह 12 फीट चौड़ा होगा। हालांकि यह पूरा दरवाज़ा तब खोला जाएगा जब ज़्यादा भीड़ होगी। गर्भगृह सफ़ेद संगमरमर से बनाया जाएगा। इसके भूतल पर रामलला के दर्शन के लिए जा रही मूर्ति के साथ एक अचल मूर्ति की भी स्थापना होगी। यह मूर्ति कैसी होगी, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, रामानंद संप्रदाय के शीर्ष आचार्यों सहित देश के शीर्ष संतों से वार्ता कर अंतिम रूप देंगे। यह मूर्ति किस पत्थर की या धातु की या फिर किस मुद्रा की होगी, इसे भी यहां के संत तय करेंगे। आपको बता दें 3 मंजिला राम मंदिर का भूतल दिसंबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद रामलला इस भव्य गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।